आज की इस प्रभात बेला में केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय के अतिशा सभागार में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती समारोह को आयोजित करने के उपलक्ष्य में जो हम आप सब यहाँ एकत्र हैं, उस परिप्रेक्ष्य में विषय के साक्षात विद्वान अधिकारी विद्वान महामना की धरती से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर राकेश पांडे जी हमारे बीच यहाँ विराजमान हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव डॉक्टर आर के उपाध्याय जी उनके साथ मंच पर विराजमान हैं। आज की इस मंगल बेला पर उनका स्वागत करते हैं। अपने बीच अपने अग्रज डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी से हम आग्रह करते हैं कि वो आप अतिथियों के साथ मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। तालियों से इनका स्वागत करें डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की पहली कड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष दीप प्रज्वलन कर सभा का आगाज करने के लिए मैं डॉक्टर रामजी सिंह से अनुरोध करता हूं कि वो आए और मुख्य अतिथि के साथ दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को संपन्न बनाए। डॉक्टर रामजी सिंह जी, मंगल दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं अपने अग्रज डॉक्टर कौशलेश जी सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो मुख्य अतिथि और गरिमामय मंच पर आसीन विद्वज्जनों का खतक के साथ स्वागत करें डॉक्टर कौशलेश सिंह जी, और डॉक्टर अनुराग उसमें इनका सहयोग करें। इस परंपरा में मैं अपने अग्रज और तिब्बती विश्वविद्यालय के ग्रंथालय के वरिष्ठ सहयोगी मणि जी से अनुरोध करूंगा कि वो मुख्य अतिथि जी को साल भेंट कर उनका सम्मान करें। माननीय मणि जी,
दर्शक दीर्घा में विराजमान बंधुओं, छात्राओं, आप सबसे अनुरोध है कि खाली कुर्सियों पर आप आगे आ जाएं ताकि एक सुनियोजित ढंग से व्यवस्था दिखाई पड़े। कृपया पीछे की कतार में बैठे हुए आप आगे आएं, आगे आकर आप स्थान ग्रहण करें। विशेषकर छात्राएं, आप लोग आगे आकर के स्थान ग्रहण करें। विद्यालय की स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करते हुए कार्यक्रम के अगले सोपान पर मैं इस विश्वविद्यालय की छात्राओं रिंगजिन सोमो और उनकी टीम को आमंत्रित करता हूं कि वो यहां आएं और मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। रिंगजिन सोमो और उनकी सहयोगी छात्राएं, सुमधुर और आध्यात्मिक मंगलाचरण की इस प्रस्तुति के साथ अब संक्षिप्त विषय स्थापना की कोशिश की जाएगी। यद्यपि अपने बीच जब विषय का अधिकारी विद्वान मौजूद हो तो किसी और का उसके विषय में कुछ कहना युक्तिसंगत तो नहीं होता, लेकिन औपचारिकता के निर्वहन के लिए और कार्यक्रम के संचालन के नजरिए को दृष्टिगत रखते हुए कुछ न कहना भी बेमानी साबित होगा।
और इसके साथ सबसे पहली बात यह, खास करके भारतीयों के लिए जो स्वतंत्र भारत की आबो हवा में आज सांस ले रहे हैं, यह जिन चंद लोगों के वजह से नसीब हुआ है, उनमें अगर सबसे करिश्माई किसी व्यक्तित्व का नाम लिया जा सकता है तो वो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर किसी भारतीय को सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में अगर कुछ ज्ञात न हो तो यह उसके लिए बहुत शर्म की बात होगी, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्र उत्तर भारत में जितने लोगों को जानने समझने का अवसर मिला है, ऐसा चुंबकीय और ऐसा दृढ़ व्यक्तित्व जल्दी देखने में नहीं आता जैसा व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। यूं तो वल्लभ भाई पटेल गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में आज ही के दिन सन 1875 में झवेर भाई के परिवार में उनकी संतान के रूप में पैदा हुए थे। उनकी संतानों में चौथे क्रम पर आने वाले झवेर भाई को बचपन से देश के प्रति समर्पण की शिक्षा विरासत रूप में प्राप्त हुई थी। उनके पिताजी श्री झवेर भाई महारानी लक्ष्मीबाई के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे। झवेर भाई के वल्लभ भाई के भाइयों में विठल भाई और एक भाई, उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसी आबो हवा में, ऐसी परवरिश में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बचपन बीता था। कहने का तात्पर्य यह कि यूं जन्म से कोई महान नहीं होता या महान बनकर कोई पैदा नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां, समय और उसकी सोच उसको सनह सनह महान बनाती जाती हैं। ऐसा ही वल्लभ भाई के साथ हुआ। पता ही नहीं चला कि कब वल्लभ भाई से सरदार बन गए और कब लौह पुरुष आयरन मैन बन गए, जिनकी आज 142वीं जयंती समारोह का हम यहां आयोजन कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्रालय, जहां से यह विश्वविद्यालय संबद्ध है, उनके निर्देश पर, हमारे माननीय कुलपति महोदय के निर्देश पर, कुलसचिव जी ने अत्यंत सीमित समय में इस कार्यक्रम को जो करने का बीड़ा उठाया, हम उसकी एक कोशिश भर कर रहे हैं। अगर इसमें कोई त्रुटियां होती हैं तो सीमित अवधि में किए जाने के कारण हम इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहेंगे। वल्लभ भाई पटेल यद्यपि एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। इस सोच का नतीजा था कि यद्यपि मैट्रिकुलेशन, जिसको हाई स्कूल आप कह सकते हैं, मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करने में लगभग 20-22 वर्ष की अवस्था उनकी बीती है, किंतु उसके बाद साधनों की सीमितता या कमी, अध्यवसाय में आड़े नहीं आने दिया उन्होंने और अपने सोच के अनुरूप
वकालत की परीक्षा पास किया और अंततो गत्वा सन 1913 तक उन्होंने विदेश जाकर वहां से बैरिस्टर की परीक्षा पास किया। लेकिन जो अध्ययन का क्रम रहा वो किताबों से कहीं ज्यादा स्वाध्याय को समर्पित रहा और उस स्वाध्याय ने समय समय पर उनको वह ताकत प्रदान की जो हमें बाद के दिनों में देखने को मिलती है। अगर उनके संपूर्ण जीवन को आप अगर विभाजित करके देखना चाहें तो उसे दो रूपों में देखा जा सकता है कि सन 1875 उनके जन्म से लेकर 1913 के पहले का समय जब वो बैरिस्टर बनकर आते हैं तब तक का समय और 1913 के बाद का और 15 दिसंबर 1950 तक का समय, यह उनके जीवन का द्वितीय खंड है। और इस द्वितीय खंड में महात्मा गांधी के अनुरोध पर सक्रिय रूप से वो राजनीति में पदार्पण करते हैं। उनके इस संक्षिप्त परिचय के साथ जो उनके जीवन का जो दूसरा दौर शुरू होता है, इन सब पर माननीय मुख्य अतिथि जी विशद प्रयास प्रकाश डालेंगे। अत्यंत संक्षेप में मैं अपनी बातें कह करके बात को विराम देना चाहूंगा कि यद्यपि महात्मा गांधी के बाएं और दाएं हाथ के रूप में जाने जाने वाले जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, ये दो प्रमुख नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हमारे समक्ष आते हैं और अगर सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदारी की बात अगर वल्लभ भाई की जाए तो मेरा अनुमान है कि वह समय 1916 से प्रारंभ होता है जब लखनऊ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं और इसके पश्चात अंत तक उनकी सक्रिय रूप से भागीदारी हमें दिखाई पड़ती है। दो शब्द जो उनके साथ विशेष रूप से जुड़कर आते हैं, सरदार और लौह पुरुष, अत्यंत संक्षेप में मैं इस पर कुछ बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले कि वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कब और कैसे बन गए। 1928 का समय था जब बारदोली नामक स्थान पर महात्मा गांधी के अनुरोध पर वहां अकाल पड़ा हुआ था और यहां की बरतानिया ब्रिटिश हुकूमत ने लगभग 20% से भी ज्यादा टैक्स इंपोज कर रखा था और कोई फसल नहीं हो, उस दुर्दशा की स्थिति में इतना बड़ा टैक्स कहां से दिया जा सकता था। उसकी ऐसी स्थिति में जमीनें, मवेशियां, ये सब गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। ऐसी स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के उस हुजूम का नेतृत्व किया, बढ़ चढ़कर के उस आंदोलन को हवा दी, अगुवाई किया और अपनी रहनुमाई में बरतानिया हुकूमत को झुकने पर मजबूर किया और सारे टैक्सेज को माफ करवाया। वजह यही थी कि वहां के किसानों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दिया और तब से आज तक भारतीय इतिहास में या विश्व के इतिहास में वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से जाना गया। दूसरी एक बड़ी बात इनके साथ जो जुड़ी है वो है लौह पुरुष। इनको लौह पुरुष कब, क्यों और कैसे कहा गया, यद्यपि इसके पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन हमारे अपने नजरिए में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है
कि 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष को स्वतंत्रता देने के पूर्व ब्रिटेन के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जब भारतीय नेताओं के समक्ष यह बात रखा कि बिना भारत का विभाजन किए भारतवर्ष को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय संपूर्ण भारतवर्ष लगभग छोटी बड़ी 565 रियासतों में बटा हुआ था, रजवाड़ों में बटा हुआ था, और अंग्रेजी हुक्मरानों ने उन रियासतों को भारतीय झंडे के नीचे लाने का कोई प्रयास नहीं किया। भारतीय नेताओं के ऊपर छोड़ दिया कि भारत का विभाजन किया जाएगा, भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी, और इन रियासतों को संभालने की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी, चाहे जैसे आप इनको संभालिए। मित्रों, सरदार बन चुके वल्लभ भाई पटेल ने देश की इस विकराल जिम्मेदारी को अपने सबल कंधों पर लिया और हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के घोषणा के पूर्व केवल 3 रियासतों को छोड़कर, जिनमें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, बाकी 562 रियासतों को उन्होंने अपने दम पर, अपनी मेधा से, अपने पराक्रम से स्वतंत्र भारत के झंडे के अंदर लाने का सफल प्रयास किया। और स्वतंत्र होने के पश्चात बाकी की 3 रियासतों में, यद्यपि कुछ जगहों पर उन्हें बल प्रयोग भी करना पड़ा, उदाहरण के तौर पर हैदराबाद की निजामी सल्तनत के खिलाफ आंशिक बल प्रयोग कश्मीर में भी करना पड़ा, लेकिन उसके लिए उस समय उन्होंने वहां के शासक श्री हरि सिंह को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो एक तरह से उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में तो नहीं था, लेकिन उसके रहनुमा गोलवलकर जी को मिला करके उन्होंने यह कोशिश किया, और वो कोशिश में कामयाब रहे, और इन 3 रियासतों को सन 1950 के पहले, यानी 1947 में, 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, और 3 वर्षों के अंदर बाकी बची हुई 3 रियासतों को भी हिंदुस्तान के झंडे के अंदर लाने का सफल प्रयास किया और उसमें कामयाब रहे। उनकी इस कामयाबी के कारण देश ने उनको आयरन मैन या लौह पुरुष की संज्ञा से नवाजा। ये थी सरदार बनने की कहानी और लौह पुरुष बनने की कहानी। और यद्यपि बहुत देर हो गई भारतवर्ष को अपने इस रहनुमा को सही तरीके से पुरस्कृत करने में, 1991 में आकर के उनके मरणोपरांत, मरने के अनेक वर्षों के पश्चात, हिंदुस्तान को अपने इस रहनुमा की सुधाई और उन्हें हिंदुस्तान के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न से अलंकृत किया गया। बातें बहुत हैं, लेकिन हमने मुख्य अतिथि जी को बुलाया हुआ है तो आप सब उनको सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि मुख्य अतिथि जी को बुलाऊँ, लेकिन जरा सा मैं रजिस्ट्रार साहब से मैं क्षमा याचना करते हुए अपने बीच बैठे हुए बंधुओं में से मैं अपील करूंगा कि अगर आप में से कोई अगर बहुत संक्षेप में अपनी कोई बात कहना चाहता है, ऐसे मौके हम लोगों को कम मिलते हैं, लेकिन अगर आप में से कोई अपनी बात कहना चाहता है तो समय का ध्यान रखते हुए अत्यंत संक्षेप में अपनी बात कह सकता है, स्वागत है इसके लिए। अगर कोई दर्शक दीर्घा में से कोई विद्वान या वक्ता आकर के अपनी बात कहना चाहे। तो हमें लगता है कि आप सब माननीय मुख्य अतिथि जी को सुनने के लिए बेताब हैं, और मैं इस बेताबी में जरा भी विलंब ना करते हुए आप सबकी तरफ से तिब्बती
विश्वविद्यालय की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करता हूं कि वो यहां आए और अपने मुखारबिंद से आज के इस कार्यक्रम को और आगे ले जाएं। माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर राकेश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचस्थ डॉक्टर रणशील कुमार उपाध्याय जी, यहाँ के कुल सचिव, माननीय डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी, डॉक्टर उमेश चंद्र सिंह जी, विश्वविद्यालय के सम्माननीय अध्यापकगण, डॉक्टर सुबेदार सिंह जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज 31 अक्टूबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। एक आयरन मैन जिन्हें बड़े प्रभावशाली ढंग से आपने सब बातें रखी, उनका जन्म हुआ और 31 अक्टूबर हमारे भारत के इतिहास में बहुत सी और बातों के लिए भी जाना जाता है, उनको भी याद करना पड़ेगा कि कैसे बहुत पहले एक महिला सुल्ताना थी, रजिया सुल्तान जिसे कहते थे, वो भी 31 अक्टूबर को ही उसका जन्म हुआ था। और 31 अक्टूबर को एक जिन्हें आयरन लेडी कहते हैं इंडिया का, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी शहादत हुई थी। आज का दिन पूरा देश बहुत सी बातों को मनाता है और मना रहा है। देश की एकता और अखंडता, जिसके प्रतिनिधि व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके लिए पूरे देश में देश की एकता के लिए लोग दौड़ लगा रहे हैं, रन फॉर यूनिटी। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसका आगाज किया और विभिन्न स्थलों पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उनसे प्रेरणा पा रहे हैं और उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हमारे पूर्व विद्वान वक्ता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में संक्षेप में बहुत सी बातें कही जो सरदार पटेल के बारे में
एक अच्छा परिचय आपने दिया। सरदार पटेल को हम कैसे याद करें, किन बातों से हम उन्हें याद करें, और जब भी हम अपने किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व को याद करते हैं तो उन बातों को भी बहुत ध्यान से देखते हैं, स्मरण करते हैं कि वो कौन सी समस्याएं थी जिन समस्याओं के समाधान में, जिनका आज जन्मदिन है, उनको कैसे अग्रणी ढंग से आपने सुलझाया। जो लोग हिंदुस्तान के इतिहास से परिचित हैं, यहाँ के संस्कृति से परिचित हैं, यहाँ की विविधता से परिचित हैं और यहाँ के विविधता में एकता से परिचित हैं, और कई बार विविधता में कैसे एकता की कमी होती है और कैसे विविधता में एकता उत्पन्न किए जाएं, ये सब भारत का इतिहास पढ़ने से ये सब बातें उभर कर आती हैं कि कैसे हिंदुस्तान को कैसे एकजुट रखा जाए, हिंदुस्तान को क्यों एकजुट रखा जाए। क्योंकि लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान एकजुट नहीं रहा तो कैसे विभिन्न अवसरों पर, जिसे कहते हैं कि अनवरत विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला और देश के गौरव का मान मर्दन लगातार लोगों ने देखा, और किस तरह से जैसे भारत की नियति हो गई थी कि यहां कोई बाहर का व्यक्ति आएगा और शासन करेगा, कैसे हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी में कैसे एक खास धर्म के अनुयायी अपना शासन प्रारंभ करते हैं, वो भारत के हो जाते हैं, लेकिन उनके शासन के दौर में विभिन्न वंश के लोग शासन करने आते हैं, किस प्रकार हिंदुस्तान का मान मर्दन होता है, यहाँ के धर्मस्थल किस तरह से अपनी गरिमा से च्युत किए जाते हैं, इन सभी बातों को भारत की जनता ने अनुभव किया, और कैसे भारत इन सभी अनुभवों को संजो करके एकजुट होकर खड़ा हुआ। भारत क्यों एकजुट नहीं हो पा रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उनका देहांत 1950 के 15 दिसंबर को हुआ था, 1950 के वर्ष के प्रारंभ के कन्वोकेशन में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया था, जब वो देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, और ये बड़े ही रेयर विलक्षण गृह मंत्री थे जो सेना के सुप्रीम कमांडर भी थे, तो इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब बुलाया गया तो मालवीय जी नहीं थे, लेकिन पंडित गोविंद मालवीय कुलपति थे। उस समय उन्होंने एक बात कही जो आज भी थोड़ा विचार करने की बात है। उन्होंने मंच से पूछा कि मैं अब, उन्होंने जो कहा वो बात मुझे कहना पड़ेगा, उसे कहने में मुझे थोड़ा झिझक भी होती है। उन्होंने कहा, मैं आज इस मंच से ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि हिंदुस्तान क्यों बार बार पराजित होता रहा।
क्यों बार बार हारता रहा, इसका जवाब आप मुझे दें। जो भी लोग जवाब इसका सोचे होंगे, दिए होंगे या अपने मन में सोचे होंगे उसका उत्तर, लेकिन स्वयं में वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता अखंडता के एक उत्तर थे। एकता अखंडता का अगर कोई प्रश्न पूछे, इसका उत्तर दीजिए, कैसे एकता अखंडता होगी? तो कोई कह सकता है कि क्या आपके देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा कोई व्यक्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा व्यक्तित्व देश की एकता अखंडता की चुनौती का जवाब थे। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि कैसे आप ये कह सकते हैं कि वो जवाब थे? देश की एकता अखंडता के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां थी? सबसे बड़ी चुनौती देश के समय देश के समक्ष, हमारे राष्ट्र के समक्ष थी, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन अपने इतिहास को देखने में बड़ा संकोच होता है कि हम लोग कैसे रहे। इस देश में ऊंच नीच का भाव, छुआछूत का भाव, जातीयता की संकीर्णता का भाव, एक खास किस्म की क्षेत्रीय संकीर्णता का भाव इस देश को बहुत ही खंडों में बांटे हुए था। खंड खंड में यह देश बटा था। कोई विदेशी आया, कोई लड़ाई हुई, हार गया, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको राज्य से, उसकी व्यवस्था से आम जन का कोई संबंध नहीं रहा। राजा हारते रहे, दूसरे राजा आते रहे, हिंदुस्तान की जनता अपने धर्म में, अपने संस्कृति में, अपने व्यवहार में वो लगी रही, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो लोग भी राजशाही में बैठे हुए थे, ऐसा कहने में हमें संकोच हो रहा है, लेकिन ऐसा था कि उन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं था। और जो ये अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध जो संघर्ष खड़ा हुआ, जो 1857 में संघर्ष हुआ, उसके पहले भी उनके राज्य के स्थापित होने की प्रक्रिया में संघर्ष हुआ, प्लासी का युद्ध कहते हैं 1757, उसके बाद भी विभिन्न जगहों पर संघर्ष हुए, बनारस में संघर्ष हुआ अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध, महाराजा चेत सिंह का नाम उल्लेख किया जाता है, विभिन्न स्थानों पर जनजातियों ने विद्रोह किया, कोल ने विद्रोह किया, भील ने विद्रोह किया, राजाओं ने भी विद्रोह किया, फिर धीरे धीरे ये विद्रोह दबाया गया। और ये विद्रोह जब पहुंचता है एक गुजरात के एक और बड़े महान व्यक्ति, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी, उनके भी निगाह में, उनकी चेतना में ये बात आती है कि ये बार बार हम लोग हारते क्यों रहते हैं। गांधी के समकालीन जो लोग भी थे, पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, जो कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उनके भी मन में ये बात बार बार आती थी कि ये हम लोग पराजित क्यों होते थे। जो वल्लभ भाई पटेल ने जो प्रश्न काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उठाया, क्यों पराजित होते थे, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में जो 1909 में लिखी, छोटी पुस्तक है, उन्होंने कहा कि हम लोग अपने देश को खुद ही जीत करके विदेशियों के हाथ में सौंप दिए, एकदम स्पष्ट इन्हीं शब्दों में कहा, गुजराती में लिखा, फिर अंग्रेजी में लिखा, ट्रांसलेशन हुआ, कि हम अपने देश को खुद ही जीत कर विदेशियों के हाथ में सौंप दिए, और आज अगर हम तय करेंगे कि भारत में हमारा शासन हो, हमारा स्वराज हो, हमारा स्वदेशी शासन हो, तो हम अपना शासन प्राप्त कर लेंगे। हम ये बात बस हमें तय करनी है। इस तय करने की प्रक्रिया को, जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम जिस प्रक्रिया के तहत खड़ा हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं स्वराज हम पाएंगे, और स्वराज के लिए स्वदेशी,
स्वदेशी अपनाएंगे, स्वराज पाएंगे। ये गांधी ने आंदोलन चलाया, तिलक जी ने उसके पहले ही महाराष्ट्र, लोकमान्य गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। बड़े संघर्ष झेले, बहुत जेल गए। तिलक जी की परंपरा में अगर आप देखना चाहें तो आप वल्लभ भाई पटेल को देख सकते हैं, जिन्होंने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे, इस प्रक्रिया में भारत राष्ट्र को खड़ा करने की एक बड़ी भारी भूमिका अदा की। हमारे विद्वान वक्ता ने कैसे बताया बारदोलाई सत्याग्रह के बारे में कहा, उसके पहले खेड़ा, वो बहुत पहले ही 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, उन्हीं इश्यूज पर, उन्हीं मुद्दों पर कि कैसे सूखा पड़ रहा है और सरकार टैक्स नहीं छोड़ रही है, किसानों को एक एक गांव में जाकर इतना अधिक एकजुट किया कि कहा हम कोई टैक्स नहीं देंगे, जेल जाएंगे, हमारे मवेशी ले लो, कुछ भी करो, हम टैक्स नहीं देंगे। और सरकार को जो होता है कि अपना हमारा स्वदेशी, हमारा स्वावलंबन, हमारा स्वराज, एक मजबूत मेरुदंड की जनता जैसे हो, जिसकी रीढ़ मजबूत हो, वो खड़ी हो जाए और कहे कि नहीं हम आपको टैक्स नहीं देंगे। और इस तरह से यह जो एक स्वराज का आंदोलन, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन रहा, जो गांधी जी ने जिसको हमारी भारतीय परंपरा से लेकर के, हमारी भारतीय परंपरा में सत्य और अहिंसा को सबसे बड़ा, सबसे बड़ी ताकत की बात प्रमाणित कराया। हमारे देश में गौतम बुद्ध की परंपरा को अगर आप देखें और उस परंपरा में आप अपने श्री राम की परंपरा को भी देख सकते हैं कि कैसे विनय, श्री राम बड़े विनयी हैं, करुणा निधान है, कैसे कर्तव्य भाव से वह अवसर भी प्रदान करते हैं कि आप सुधरिए। तो किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश को इस बात के लिए तैयार किया कि हम अपने देश में अपना स्वशासन हमें चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि बहुत से लोगों ने इसमें भाग लिया, जवाहरलाल नेहरू का भी नाम ले सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस का भी नाम ले सकते हैं, अबुल कलाम आजाद का नाम ले सकते हैं, कृपलानी साहब का नाम ले सकते हैं, पटेल साहब का क्या योगदान बताना चाहेंगे आप, अलग से कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस बात को आप देखेंगे कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष हुए, 1931 के कराची कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, जिसका प्रस्ताव आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई कोई देश मजबूत होता है तो कैसे समानता पर आधारित एक नागरिक समूह बने, जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो लिखे गए हैं, जिस मौलिक अधिकार का पहला जो 14वां अनुच्छेद संविधान का कहते हैं आप, समानता का अधिकार, और कानून के सामने सभी लोग समान हैं, ये प्रस्ताव और इससे संबंधित जो भी आर्थिक स्वतंत्रता के प्रस्ताव हैं वो सब कराची कांग्रेस में पारित होते हैं, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सभी साथी, कांग्रेस पार्टी के सभी साथी और देश में धीरे धीरे सब लोग इस बात को समझे कि इस देश के बार बार हारने का कारण यही था कि इस देश में समानता का भाव नहीं था, और उस समानता के भाव के न होने के कारण देश में बड़ी विखंडित चेतनाएं थी। हमसे क्या मतलब है, हमसे क्या मतलब है, पूरे देश के लोगों को जब यह लगा, और धीरे धीरे इसमें इन लोगों की बड़ी भारी भूमिका कही जाएगी वल्लभ भाई पटेल की, कि कैसे पूरा देश ये बात समझने के लिए तैयार हुआ और तय कर लिया कि नहीं, हमारे देश में हमारा शासन होगा
और हमारा शासन माने किसी राजा का शासन नहीं होगा। हमारे देश में जो संविधान बना, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू करना कहते हैं, जो 1946 के 9 दिसंबर से लेकर के 1949 के नवंबर महीने तक जिस संविधान का निर्माण होता है, यह संविधान के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी, और भी लोग थे। यह संविधान एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित किया गया, जिसमें यह घोषणा की गई, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और उसके अंतर्गत कैसे समानता, कैसे स्वतंत्रता, कैसे बंधुत्व, कैसे देश में हर व्यक्ति की गरिमा, ये गरिमा शब्द संविधान की प्रस्तावना में है, कैसे हर व्यक्ति की गरिमा को संरक्षित करने के लिए पूरा देश एकबद्ध होगा। जो देश अपने हर व्यक्ति के, जो भी एक आम से आम व्यक्ति है, उसकी गरिमा और उसकी इज्जत के लिए पूरा देश अगर संकल्पबद्ध है, तो उस देश को कोई हरा ही नहीं सकता है। ये जो एक देश में ये जो एक बहुत बड़ा वैचारिक क्रांति, ये वैचारिक क्रांति है प्राचीन काल के हमारे वेद और उपनिषद के, जो ऋषि कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, और इस तरह से एक आध्यात्मिक साम्यवाद है हिंदुस्तान में, हरि के भजे सो हरि के होई, जात पात पूछे नहीं कोई। ये जो हिंदुस्तान के ऋषियों ने जो घोषणा किया, मानव के आध्यात्मिक एकता की जो घोषणा किया हमारे जो ऋषियों ने, जो बाद में चलकर पता नहीं किन कारणों से किस प्रकार के कीचड़ में फंस गया देश, कि लोग विभिन्न प्रकार के विभेद करने लगे, ऊंच नीच का भाव रखने लगे, इस सभी ऊंच नीच के भाव पर बहुत तगड़ा प्रहार किया भारतीय संविधान ने अपनी घोषणा के माध्यम से, कि हमारे देश में संप्रभुता हमारी जनता के पास है, और कहा कि भारत, इंडिया दैट इज भारत, शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अनुच्छेद 1 कहते हैं संविधान का, इंडिया दैट इज भारत। और उस भारत को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, उसके लिए किस प्रकार के सिद्धांत अपनाए जाए, क्या भविष्य की दृष्टि हो, बहुत से लोगों ने योगदान किया, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक कराची की कांग्रेस का जो प्रस्ताव है समानता का, कैसे एक सभी लोगों को आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, कैसे गरिमा की रक्षा होनी चाहिए, कैसे हम लोगों का शासन होना चाहिए, इन सब बातों के लिए उसको याद किया जाएगा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसके लिए याद किया जाएगा, लगातार याद किया जाएगा, कि कैसे एक सही समझ गांधी की परंपरा और हमारे वेद और उपनिषद की परंपरा से लेकर के कैसे एक साम्यवाद को देश ने स्थापित किया, आध्यात्मिक साम्यवाद को स्थापित किया। और हमारे विद्वान वक्ता ने बताया कि कैसे हमारी जो रियासतें थी हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में अंग्रेज लगभग 2/3 भाग में उनका कब्जा था, और 1/3 भाग उन्होंने यहां के जो देशी रियासतें थी, जो अंग्रेजों के आने से पहले से, मुगलों के समय से, सल्तनत काल से, और कुछ रियासतें उससे भी पहले से थी, उन सबको अक्षुण रखा, ये कह करके कि तुम्हारे विदेशी मामले हम देखेंगे, तुम अपना इंटरनल व्यवस्था करो राजा लोग। लेकिन उसको भी अंग्रेजों ने कहा कि ठीक से नहीं चलाओगे तो तुम्हारा राज्य हड़प लेंगे हम, कुछ राज्य हड़प भी लिए थे वो सब। उन राजाओं को यह कहा कि तुम्हें हम राजपाट दिए हैं, तुम्हारी विदेश नीति हमारे पास रहेगी। लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद होने की बातें उपस्थित हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध आया 1939 में, यही पटेल जी, यही गांधी जी, यही तमाम कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में तुम्हारा साथ नहीं देंगे अंग्रेज, तुम बताओ कि तुम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, हमारे लिए तुम्हारे पास क्या है। अंग्रेजों को मजबूर होकर कहना पड़ा कि हम लड़ाई के बाद आपको आजाद कर देंगे, जिस पर कि बड़े उनके मिशन आते हैं, उनके सब पार्लियामेंट्री मिशन आते हैं, जनता को
देश के नेताओं को समझाने के लिए कि साहब मेरा सहयोग करिए आप। क्रिप्स मिशन कहते हैं 1942 के मार्च महीने में तब आता है जब जापान की सेनाएं पूरे एशिया को पराजित करते हुए बर्मा वगैरह को जीत करके लगा जैसे हिंदुस्तान को जीत करके जापानी लोगों का अधिकार हो जाएगा। और जगह जगह से अंग्रेज लोग मलेशिया से और इंडोनेशिया से जो हॉलैंड के लोग थे वो लोग और जो इंडो चाइना जिसे कहते हैं जहां पर फ्रांस का अधिकार था वो सभी लोग भाग गए छोड़ करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में जापान के ने जो अपनी सेनाएं जापान रूस और इटली की सेनाएं एक तरफ थी। तब भारत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी का नाम पहले लिया जा सकता है इन लोगों ने तय किया पटेल साहब ने तय किया कि अब अंग्रेजों से हम ये कह रहे हैं हे अंग्रेज भारत छोड़ो। और भारत छोड़ो के दौर में पटेल साहब और तमाम जो उस समय के नेता थे गांधी जी वगैरह सब लोग गिरफ्तार कर लिए गए परंतु ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने जो शिक्षा दिया था स्वावलंबन की अपने स्वयं के खड़े होकर के अत्याचार के विरोध की कि 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस आंदोलन में पूरा हिंदुस्तान एक व्यक्ति के रूप में जैसे खड़ा हो जाए पूरा देश एक व्यक्ति के रूप में अंग्रेजों को एकदम लगा जैसे कि उनको भारत से निकाल दिया जाएगा। और अंग्रेजों ने बहुत घोषणाएं किया खुलकर कहा नहीं हम लोग आजाद कर देंगे आपको। और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति 1945 के बाद 1945 से 47 के बीच में अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने की तमाम प्रकार के प्रयासों पर यही कहा भारत के लोगों से भाई आप लोग तय करिए कि कैसे आप शासन चलाएंगे। एक मुस्लिम लीग थी जिन्ना उसके अध्यक्ष थे वो भी गुजरात के ही थे और कांग्रेस पार्टी कैसे इन लोगों ने हिंदुस्तान को एकजुट रखने का पूरा प्रयास किया ये सब कहानियां डिटेल में बच्चे पढ़ सकते हैं लेकिन मुझे मोटी मोटी बातें मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से वल्लभ भाई पटेल इस बात के लिए बहुत ही जिसे कहा जाए प्राणपण से लगे हुए थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए ट्रंकेटेड इंडिया हमें नहीं चाहिए कटी हुई कटा हुआ भारत हमें नहीं चाहिए। और कटा हुआ भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ भारत हो जाता जो भारत की 565 रियासतें थी उन सभी रियासतों को पटेल ने खुल करके कहा कि तुम अगर भारत को शामिल होते हो तो तुम्हें प्रिवी पर्स मिलेगा तुम्हें वो सभी सुविधाएं मिलेंगी कि तुम अपने को राजा कर सकते हो तुम्हारे जो वंशज होंगे उनको भी प्रिवी पर्स दिया जाएगा परंतु बाद में चल करके आपको पता होगा कि कैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आती है उनका प्रिवी पर्स वगैरह सब खत्म कर देती है। और वो सभी राजा लोग हिंदुस्तान के साथ मिलन का उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्सेशन में मिलन का एक दस्तखत करते हैं जैसा विद्वान वक्ता ने कहा कि तीन राज्य नहीं करते निजाम हैदराबाद जूनागढ़ के नवाब और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जिनको ये विश्वास था कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी रियासत को बरकरार रखेंगे। और एक और राजा थे जो त्रावणकोर बोलते हैं वहां के राजा ने भी कोशिश किया अंग्रेजों से चिट्ठी पत्री लिखे कि हम आजाद रहेंगे आपका साथ बढ़ा देंगे लेकिन उस समय हिंदुस्तान की जनता की ऐसी तैयारी हो गई थी मानसिकता ऐसी तैयारी हो गई थी कि कोई राजा टिक नहीं पाता स्वतंत्रता की बात करने वाले कि हम स्वतंत्र रहेंगे भारत के बीच में वो सोच भी नहीं सकते थे सोचे लेकिन वो उसको प्राप्त नहीं कर सकते थे। बस एक उदाहरण दूंगा कि त्रावणकोर के राजा ने जब ये प्लान किया उनके प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं हम को राज चाहिए तो कहने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन एक आम बहुत आम नागरिक ने जाकर त्रावणकोर के प्रधानमंत्री को ये सुनने में कहने में उनको चाकू मार दिया जाकर के। और एक जैसे पूरे देश में राजाओं के समक्ष राजा लोग क्या थे सब जैसे कोई लेबोरेटरी में कोई पौधा पाला जाए पौधे लैब में नहीं पाले जाते हैं वैसे अंग्रेजों ने इन सबों को पौधे के रूप में पाला था माफ करेंगे राजा लोग। और वो सब राजा लोग जैसे अंग्रेज चले गए वो लगे रोने सब अरे आप चले गए हम लोगों का क्या होगा
मुझे माफ करिएगा, मतलब ऐसे इस तरह से बोलने से, लेकिन ये सच्चाई है, वो रोने लगे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने शर्त रखा कि आप जा तो रहे हैं लेकिन एक चीज हमारे लिए करिए। क्या करें? जो आपका होम डिपार्टमेंट आपका है, जो पटेल जी वाला नहीं, जो होम डिपार्टमेंट आप जिसको मुखिया थे, उसमें की जितनी फाइल है सब जला दीजिए। क्योंकि उस फाइल में क्या लिखा हुआ था, जितने राजा महाराजा थे सब कितने, माफ करिएगा, बड़े अय्याश थे सब, सब विदेश जाते थे, क्या क्या करते थे, वो सब की पूरी बायोडाटा लिखा रहता था। अंग्रेज वही सब दिखा करके उनको, अगर बनारसी भाषा का प्रयोग करने की इजाजत हो तो, मैंने उनको चिंगुराते रहते थे या सिकोड़ते रहते थे कि तुम क्या और राजा लोग बड़ी बड़ी वर्दी पहने रहते थे, अच्छे अच्छे वर्दी, लेकिन वो बेचारे अंदर से, बेचारे भी कह ले रहा हूं मैं, उनको डरे हुए थे। जगह जगह वो लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी, उसकी रक्षा भी करते थे। तमाम जगहों पर अगर आप राजाओं का पूरा सर्वेक्षण करेंगे पूरे भारत में घूम करके, तो जगह जगह वो लोग कुछ संस्कृति से भी जुड़ करके अपना महत्व पाए थे और सम्माननीय भी थे। जैसे हमारे महाराजा काशी, इन लोगों ने, इनके पूर्वजों ने भगवान श्री राम की कथा को अपनाया, अपने को एक स्थापित किया। ये लोग पहले ही साइन कर दिए थे, महाराजा बनारस ने कभी विरोध नहीं किया। नवाब जो था वहां का, जूनागढ़ का, वो बड़ा भारी कुत्तों का शौकीन था, अपने सब कुत्ते लेकर के पाकिस्तान जाना चाहता था। उसको मन नहीं लगा पाकिस्तान में, तो जवाहरलाल से कहा, पटेल जी से, कि मैं फिर लौट के आना चाहता हूं, तो उसको लौटा लिया। मेन प्रॉब्लम जो निजाम हैदराबाद का था, इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि कैसे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़े विल पावर से, जो विद्वान वक्ता ने कहा कि उन्हें आयरन मैन, बिस्मार्क का नाम आयरन मैन कहा जाता है, जर्मनी के इतिहास में बिस्मार्क जिसको कहा जाता है कि वो ऐसा बाजीगर था जो 5 गेंदों की बाजीगरी करता था, जिसमें 3 गेंद आसमान में रहती थी। जैसे भी उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया कि बिस्मार्क एक बड़ा भारी बाजीगर था जो फ्रांस के सीने पर पैर रख करके अपने जर्मनी के 300 रियासतों को एकजुट किया था 1870 में। 1870 में 300 रियासतों को जर्मनी के होहेनजोलर्न वंश के अधीन वो लाया था, वो प्रशा का चांसलर था। उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल 542 रियासतों को, कुछ एक दो रियासतें छोड़ दी जाएं जो पाकिस्तान में चली गईं, बहावलपुर की रियासत, कुछ बांग्लादेश में रियासतें चली गईं जो वहीं की थी तो वहां ज्वाइन कर ली, कि बाकी जितने रियासतें थी मैक्सिमम सभी लोगों ने भारत में शामिल करना स्वीकार किया, खुशी से साइन किया। और उसके पहले एक कहानी और है कि कैसे लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, वो पटेल साहब के कहने से, जवाहर के भी कहने से मैं कह सकता हूं, कि कैसे उन्होंने, वो खुद भी एक राज परिवार के भतीजे थे, वहां के महारानी के भतीजे थे, खुद राजा थे, तो राजाओं को बताने के लिए कि देखो बहुत घमंड में मत आओ तुम लोग, मैं कह रहा हूं तुमसे, भारत जिसे कैबिनेट मिशन का एक प्रस्ताव कहते हैं, उस प्रस्ताव में था कि राजा लोग या तो भारत ज्वाइन करें या पाकिस्तान ज्वाइन करें। वो अपने पूरे राजकीय ड्रेस में गया और राजाओं को बुलाया और ऐसे ही कहा कि देखो ये पटेल साहब और ये लोग जो कह रहे हैं उसको मान लो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ भी नहीं मिलेगा। और कहने के बाद जितने भी रियासतें थी सभी लोगों ने एक, जैसे कहते हैं, ड्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ, सब जाकर साइन कर दिए। और जम्मू कश्मीर के राजा के संदर्भ में पटेल जी का बड़ा ही खुला विचार था, तुरंत सेना भेजी जाए। और कैसे, बहरहाल यह भी था कि इसके यहां सेना तो भेज दी जाएगी लेकिन हमारे में विलय नहीं किया है ये राजा, तो हुआ कि नहीं पहले इससे विलय कराइए, तो उनसे विलय करवाया गया। और फिर तब हमारे सेनाएं गई तो ये श्रीनगर वगैरह जो हम लोगों का हिस्सा है और कुछ हिस्सा जो हमारा नहीं है पाकिस्तान के पास है इस समय, या गुलाम कश्मीर जिसे आप लोग कहते हैं, वो सब हिस्से के बारे में पटेल की ये सोच थी कि इन सबको शक्ति के बल पर ग्रहण किया जाए। पटेल साहब कुछ बातों में बड़े क्लियर कट थे, जैसे 1950 में तिब्बत के चीन के अधिग्रहण के संदर्भ में पटेल बहुत खुलेआम ढंग से, वो जो करस्पॉन्डेंस है जवाहरलाल और पटेल के बीच का अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पटेल ने बड़े खुल के कहा कि चीन का विरोध किया जाए, ये गलत कर रहा है। और इसलिए कई लोग ये बात कहते हैं कि अगर पटेल साहब जीवित रहते
कुछ लोग ये बात बड़े गंभीरता से, आजकल तो बहुत से लोग कह रहे हैं, जीवित रहते और देश के प्रधानमंत्री हुए होते तो कुछ ऐसी घटनाएं जिसको आप कहते हैं कि बड़ा असम्मान हुआ, 62 का असम्मान, जिस असम्मान के चलते जवाहरलाल को हार्ट अटैक हुआ, 64 में मर गए, वो असम्मान भारत को नहीं झेलना पड़ता। जिस असम्मान का बदला लेने के लिए आप जानते हैं कैसे इंदिरा गांधी ने देश को न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह से मजबूत किया, पाकिस्तान को कैसे दो टुकड़े में बांटा। आज चाइना एक टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता इंडिया को। ये पटेल साहब की हमारी जो विरासत, जिसे कहिए पटेल की विरासत हिंदुस्तान में क्या है, एक मजबूत राष्ट्र की, एक शक्तिमान राष्ट्र की, शक्तिमान राष्ट्र बनने की, एक समतावादी समाज के निर्माण की, और कैसे आम आदमी देश का सशक्त बने, उसकी जो विरासत है वो हमारी पटेल की विरासत है। आज हम पटेल जी को, अपने लौह पुरुष को, सरदार को याद करते हुए बार बार ये संकल्पबद्ध होते हैं, हिंदुस्तान की एक इंच जमीन भी हम किसी को लेने नहीं देंगे, और हम अपने राष्ट्र में हर व्यक्ति को यह महसूस होने देंगे कि यह उनका देश है, इसकी इज्जत के लिए हर व्यक्ति जो है सन्नद्ध रहेगा, उसकी व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि मैंने शुरू में ही आप सबको मुख्य अतिथि जी के विषय में बताया था, न केवल वो विषय के निष्णात विद्वान ही रहे हैं, अपितु इस विषय में उनकी गहरी पैठ भी रही है, रुचि भी रही है, और उनकी बातों की गहराई, उनके कहने का अंदाज आपने देखा। अब आज का यह कार्यक्रम धीरे धीरे अपनी प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन जैसी कि हमारे भारतीय समाज की परंपरा रही है कि किसी भी कार्यक्रम को अपने बीच प्रमुख लोगों के आशीर्वाद के बगैर समाप्त नहीं किया जाता, यह न केवल एक औपचारिकता है बल्कि यह एक आवश्यकता भी है, और इसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने बीच मंच पर विराजमान जो न केवल एक प्रशासक हैं अपितु विद्वान हैं, माननीय कुल सचिव जी से अनुरोध करूंगा कि वो उपस्थित अभ्यागतों का और संपूर्ण मंडल का धन्यवाद ज्ञापन कर सभा को समाप्त करने की घोषणा करें। अच्छा, क्षमा चाहेंगे, डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी, कुछ ऐसी समस्याएं आपके साथ थी जिस वजह से हम कहने में संकोच कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं। मित्रों, मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूं, बहुत कम बोलता हूं, लेकिन वैसे कहने के लिए बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया है। हमारे प्रोफेसर उमेश सिंह जी, विद्वान वक्ता प्रोफेसर पांडे जी ने सरदार भाई पटेल पर, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर बहुत अधिक प्रकाश डाला है, कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी दो तीन बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पटेल जी के विषय में कुछ कहने के पहले मैं एक शेर आप सामने रखता हूँ, क्योंकि आजकल शेरों का ज़माना है, प्रधानमंत्री से लेकर के जो होता वही शेर सुना देता है, तो इस परंपरा का निर्वहन करते हुए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
तो पटेल जी इस शेर को चरितार्थ करते थे। उन्होंने अपने को ही नहीं बल्कि देश को बुलंदी की पराकाष्ठा पर पहुंचाया। मित्रों, गर्व के साथ कहना पड़ता है कि गुजरात रत्न गर्भा धरती रही है। गांधी जी रहे हैं, पटेल जी रहे, जिनको आप आयरन मैन लौह पुरुष कहते हैं। वर्तमान में आप देख ही रहे हैं भारत को, भारत के कद को जिस तरह से मोदी जी ऊंचा कर रहे हैं, वो शायद ही कभी इतना कद ऊंचा हुआ हो। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत की जो छवि याद बनी है वह है एक गुजरात के संत मोदी की देन है। अखंडता और एकता की बात हमारे विद्वानों ने कहा। मित्रों, दिनकर जी की एक दो पंक्ति की रचना में कोट करूंगा कि देश की आज़ादी केवल अहिंसा से नहीं मिली है। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है, देवों का दल सदा दानों से हारता रहा है। देश केवल अहिंसा के बल पर आज़ाद नहीं हुआ है। गांधी जी के दो हाथ जरूर थे, एक बायां हाथ एक दाहिना हाथ। दाहिना हाथ हाथ तो दोनों रक्षा का काम करते हैं, लेकिन दाहिना हाथ पहले उठता है। मैं कहूँगा कि पटेल जी उनके दाहिने हाथ थे, क्रांति के उपासक थे, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते थे। दूसरी चीज़ यह है कि गांधी जी जहाँ अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत मानते थे, पटेल जी का सिद्धांत कुछ और था। छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम लिए पाप है, पुण्य है भी छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। ये पटेल जी का सिद्धांत था कि हमारे सत्व को, हमारे अधिकार को अगर कोई छीनना चाहता है तो छीनने के पहले उसका हाथ काट दो। यह सिद्धांत जब देश के क्रांतिकारी ने अमल में लिया, तब अंग्रेजों को विवश होकर के भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अब दाल नहीं गलेगी, भारतवासी आज़ादी लेकर के छोड़ेंगे। और अपने आप नहीं गए हैं, भाग गए, डर करके भाग गए कि अब यहाँ हम नहीं रह पाएंगे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की बात रही कि भले हम आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, कैसे आप राज्य चलाएंगे, ये तो कहने की बात है, लेकिन वो मजबूर होकर के गए हैं। हमारे विद्वान वक्ता ने कहा कश्मीर की समस्या, मित्रों कश्मीर की समस्या आज नहीं रही होती यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पटेल की बात मान ली होती, नहीं रही होती। और दुर्भाग्य था कि पटेल जी बहुत जल्दी चले गए, रहे होते शायद आज हमारा, हमारी कश्मीर की समस्या हल हो गई होती। अंतिम पटेल जी की धैर्य की मैं बात करूंगा एक संदर्भ से। पटेल जी बहुत अच्छे बैरिस्टर थे, वकालत कर रहे थे, बहस कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी की मृत्यु का टेलीग्राम उनके पास आया। जज अंग्रेज था, उसने कहा कोई टेलीग्राम आया जरा पढ़ लीजिए। टेलीग्राम को उन्होंने देखा तक नहीं, बहस उन्होंने जारी रखी। यह व्यक्तित्व जो देश के लिए अपने स्वार्थ को, अपनी संकीर्णताओं को त्याग दे, उसी परंपरा का निर्वहन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी को देश पर, अपने देश पर मोदी जी को गर्व है, और हमें, हम देशवासियों को ऐसे प्रधानमंत्री को पा करके गर्व है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
चलते चलते हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी ने चंद शब्दों में बड़ी गंभीर बातें कह दी। और चूंकि पटेल जी का विषय या स्वयं पटेल जी कुछ वक्त के व्याख्यान के लिए बहुत सीमित हो जाता है उनका व्यक्तित्व, कम से कम एक कार्यशाला की आवश्यकता है ऐसे विभूति के संदर्भ में बातें करने के लिए, क्योंकि अब समय हो चला है, इसलिए विलंब न करते हुए मैं अपने बीच मंच पर विराजमान विद्वान प्रशासक डॉक्टर आर के उपाध्याय जी, जो इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन कर सभा के समापन की घोषणा करें। इस सभागार में बैठे और मंच पर आसीन हमारे श्रद्धेय अग्रज प्रोफेसर राकेश पांडे जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और प्रोफेसर बी आर त्रिपाठी जी इस विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर और अभी भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनको दिया है। सभागार में बैठे हुए डॉक्टर सूबेदार सिंह जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र संघ के महामंत्री रहे हैं और आज देश की राजनीति में अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इस सभागार में बैठे हुए हमारे विश्वविद्यालय के विद्वजन अध्यापक वृंद, डॉक्टर रामजी सिंह जी और लाइब्रेरी से आए हुए लाइब्रेरियनगण, इस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भारतवर्ष एकता दिवस के रूप में मना रहा है और ये एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के अवसर पर ही हम मनाते हैं। पूरा देश आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित सभी विश्वविद्यालयों में उनके विषय पे या उनके जो कृतित्व है, जो देश और परिस्थिति काल में जो उनके कंट्रीब्यूशंस हैं, उस पे चर्चाएं हो रही हैं, जिससे कि आने वाली जनरेशन उनके कृतित्व से, उनके व्यक्तित्व से अच्छी तरीके से वो समझ सके कि देश में ऐसे लोगों को कितनी ज़रूरत है और हर कालखंड में, उस कालखंड में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे लोगों ने अपने अपने तरीके से इस देश की सेवा की है। और हमारे अग्र जो भी पहले विद्वजन जिन लोगों ने उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला है, कोई अंश बाकी नहीं है जो मुझे उसमें और कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उसमें सप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा और मुझे लगता है कि वो आज के अवसर पर प्रासंगिक भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में ये कहा जाता है कि वो बड़े किसान परिवार में पैदा हुए और उन्होंने स्व अध्याय करके अपने व्यक्तित्व का संवर्धन किया, बैरिस्टर हुए। और जैसा कि हमारे प्रोफेसर वीर त्रिपाठी जी ने इस बात को कहा कि जब वो एक ऐसे केस का जिसमें कि उन्होंने ये
जिक्र किया कि उनकी पत्नी का देहावसान का कॉल लेटर उनको मिला और उसको पढ़ा, और इसके बावजूद भी वो बहस करते रहे। बहस करने के बाद जब वो आए और प्रस्थान करने लगे तो उनके कलीग लोगों ने पूछा कि भाई सरदार जी आप क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का देहावसान हो गया है और मुझे यहाँ से जाना होगा। लोगों ने सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति कैसा है कि उनको ऐसी सिचुएशन में भी इसके बावजूद भी केस का बहस करते रहे, उसमें समय उन्होंने यथोचित समय दिया। और बाद में कहा कि अब तो मेरी पत्नी आने वाली नहीं है, वो तो अब जा चुकी हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का कि केस में लड़ रहा हूँ और जो जिम्मेदारी लिया हूँ वो उसको मौत से बचाने का एक तरह से संकल्प लिया है, और अंततः वो केस में विजय उनको प्राप्त की। यह बात शो करता है, यह बात दिखाता है कि वो अपने कर्तव्य और अपने निष्ठा के प्रति कितना जीवंत तरीके से और कितनी ईमानदारी के साथ उसमें वो संलग्न हुआ करते थे। उनके बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो कि आज के देश में, माने आज की परिस्थिति में भी वो प्रासंगिक है, क्योंकि वो देश के लिए, समाज के लिए, उस व्यवस्था के लिए जिसमें सुधार हो, जो हमारे देश के लोग एक संरक्षित तरीके से, एक सम्मानित तरीके से, गौरव के साथ जीवन जी सकें, उसके लिए वो प्रयास कर रहे थे। जो सन 1928 की जहाँ तक बात है, जहाँ 1913 की बात है, या किसान आंदोलन के माध्यम से जो उनको सरकार की, जो सरदार की उनको उपाधि दी गई, वो उनके संघर्ष और उसके नेतृत्व करने की एक तरह से वो सर्टिफिकेट था। विपरीत परिस्थितियों में जहाँ अंग्रेज हर आंदोलन को कुचलने के लिए तैयार थे, इसके बावजूद भी वो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और उस नेतृत्व के माध्यम से समाज में उन्होंने अपने नेतृत्व की प्रतिस्थापना की। कुछ विषयों पर महात्मा गांधी से उनके कुछ अंतर्विरोध थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो चाहते थे कि देश हमारा अखंड रहे और एकता के स्वरूप में एकताबद्ध हो करके और हमें स्वतंत्रता मिले। इसके लिए उन्होंने, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि ने इस बात को बताया कि कराची का जो कांग्रेस का जो सत्र चल रहा था और जिसमें वो प्रस्तावना पास की, उसके पीछे यही मंशा थी कि भारत अखंड के रूप में हमें प्राप्त हो, जबकि अंग्रेज या जो इस मानसिकता के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि भारत अखंड रूप में हमें मिले। जहाँ तक रियासतों की बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि 565 रियासतें थीं, सब अपने अपने तरीके से अपने स्वार्थ सिद्धि करने में लोग लगे हुए थे, लेकिन सरदार भाई पटेल के ही नेतृत्व था और उनका जो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो उनको उत्तरदायित्व मिला था उसी की देन थी, और उनकी जो बौद्धिक कौशल और क्षमता थी उसके वजह से ही हमारा भारत एक अखंड रूप में प्राप्त हुआ। कुछ समस्याएं उस समय शायद, जैसा कि हमारे अग्रज विद्वान ने बताया कि यदि वो प्रधानमंत्री होते, ऐसा एक मानसिकता एक हम सभी लोगों की समझ में इस बात की आती है कि यदि उस तरह का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में प्राप्त होता इस देश को, तो शायद ये कश्मीर की जो समस्या है वो आज इस रूप में नहीं होता। कुछ लोग अलग अलग बातें कहते हैं, सच पूछिए तो उनको अवसर प्रधानमंत्री बनने के लिए मिला था उस समय, लेकिन कांग्रेस में विखंडन न हो इसलिए उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया और अपने प्रधानमंत्री बनने का जो अवसर है वो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में उन्होंने वो कार्य करने के लिए स्वीकार कर लिया, क्योंकि महात्मा गांधी के दिलो दिमाग में ये बात आ गई थी कि जवाहरलाल नेहरू जी किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो कांग्रेस टूटे न सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह जानते हुए कि महात्मा गांधी कहीं न कहीं उनके मन में ये था बात, लेकिन उन्होंने स्वयं ही प्रस्ताव रखा कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं बल्कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाएं, और वो कांग्रेस को टूटने देना नहीं चाहते थे, उसके पीछे वो उनकी मानसिकता थी, लेकिन उसके पीछे ये था कि हमारा देश स्वतंत्र हो, अखंड के रूप में मिले और पार्टी में कोई उस तरह का विघटन न हो, ऐसा उनके मन में भाव था, उनके मन में उस तरह की बातें थी। आज के नेता शायद मुझे लगता है कि इस तरह की सेक्रीफाइस सीखना चाहिए कि किसी देश हित में, किसी राष्ट्र हित में यदि कुछ
देने की बात आए तो उसको करके भी उस जो हमारा जो बृहद हमारा उद्देश्य है देश हित में वो संकल्पित रहे और वो सुसज्जित रहे। ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में बताया जाता है। एक एक जस्ट एक घटना में बता रहा हूँ, उनके पिताजी ने किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करके और सोचा कि हम इनको बाहर भेज करके और बैरिस्टर की पढ़ाई करें, लेकिन उस पैसे को उन्होंने कहा कि नहीं मुझे ना भेज करके मेरे बड़े भाई को ही आप भेज दें, और वो गए। बाद में उन्होंने पैसा अर्न करके और तब फिर उन्होंने शिक्षा ली। इस तरह का त्याग और उस तरह की भावना उनके कूट कूट के अंदर भरा हुआ था। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे हमारे देश के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों का नेतृत्व हमारे देश को मिला, और ऐसे लोगों के का नेतृत्व के माध्यम से ही आज हम लोग इस रूप में विराजमान हैं कि देश एक स्वतंत्र जो भी जिस तरीके से जिस रूप में मिला। जबकि ऐसा ये माना जाता है कि जो 565 जो हमारी थी उस समय की जो हम ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग लोगों के राज्य करने की जो उस तरह की से राजाओं का जो वर्चस्व था वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारा वर्चस्व समाप्त हो, किसी न किसी रूप में वो बने रहें। इसीलिए प्रीवी वर्ष की बात आई, माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस चीज़ को ख़त्म किया, आप सभी लोग जानते हैं। मैं आज इस कार्यक्रम के जो संचालन कर रहे हैं डॉक्टर उमेश चंद सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और बहुत कम समय में हमारे अग्रज प्रोफेसर राकेश पांडे जी ने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया, मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गरिमा के अनुकूल आपने अपने बातों को इस तरीके से रखा, बहुत अच्छा लगा और सारगर्भित, और मुझे लगता है कि आज के दिन काफ़ी प्रासंगिक हैं चीज़ों को कि नई जनरेशन इस चीज़ को जाने। बाबूराम त्रिपाठी जी मंचासीन हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम सच पूछिए तो मेरे मन मस्तिष्क में ये बात थी कि हमारे माननीय कुलपति जी आ जाएं तो उनके अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को आयोजन किया जाए। कल ही मैंने 11 बजे टेलीफोन पे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि नहीं जयंती आज है, आज मनना चाहिए। मैंने लोगों से निवेदन किया कि आप लोग प्रयास करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी यथोचित प्रयास आप कर सकते हैं करें। तो बहुत कम समय में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, आप सभी लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ से निकलने के बाद ग्रंथालय के समक्ष स्वल्पाहार की व्यवस्था में शामिल हों, यहाँ का कार्यक्रम अब समाप्त करने की आप सबसे अनुमति चाहता हूँ, और आप सबको धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।